हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम टॉपिक करेंगे इकोनॉमिक्स का मोनोपोली, कि मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली मार्केट की एक ऐसी फॉर्म है इन विच देयर इज़ अ सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ ए कमोडिटी, जहां पर उस कमोडिटी का एक ही सेलर या एक ही प्रोड्यूसर होता है, मतलब वही बनाने वाला है उस कमोडिटी को और वही उसको सेल करने वाला है। देयर वॉज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ द मोनोपोली प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है उस मार्केट में। एंड देयर आर लीगल, टेक्निकल और नेचुरल बैरियर टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म इन द मोनोपोली मार्केट, कि अगर कोई नई फर्म एंट्री भी करना चाहेगी उस मार्केट के अंदर तो उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे, लीगल, टेक्निकल और नेचुरल, ताकि वो नई फर्म एंटर ही ना कर पाए मोनोपोली मार्केट के अंदर। जो मोनोपोली है, मोनोपोली जो फर्म है, वो बहुत सारे उस पर लीगल और टेक्निकल बैरियर लगा देगी ताकि वो एंटर ना कर पाए। मोनोपोली का एग्ज़ाम्पल है, जैसे गवर्नमेंट के पास मोनोपोली है इलेक्ट्रिसिटी की का एग्ज़ाम्पल है, कि गवर्नमेंट एक सिंगल सेलर है, वही उसको बनाती है, वही उसको बेचती है, और हम बहुत सारे बायर्स हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को ख़रीदने वाले। सेलर सिर्फ एक है गवर्नमेंट, और बायर्स हम बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर उस कमोडिटी का, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का, एक ही सेलर है और एक ही प्रोड्यूसर है, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है उस मार्केट के अंदर। वैसे इसका है सोलर सिस्टम है, पर सोलर सिस्टम भी सेम टाइम यूज़ नहीं कर सकते हम जिस टाइम हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रात में या फिर बारिश में। अगर 3-4 दिन लगातार बारिश हो जाए मान के चलो, तो फिर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अवेलेबल है सब्स्टिट्यूट, पर इतना अच्छा नहीं कह सकते हम। तो यहाँ पर इसका कोई मतलब, यही कमोडिटी हो गई, इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अब इसके फीचर्स देखिए। फर्स्ट फीचर है सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, कि इस इलेक्ट्रिसिटी का, इस कमोडिटी का एक ही सेलर है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट अकेला मालिक होता है। मोनोपोली मीन्स जहाँ पर अकेला हो, अकेला मालिक हो वो पूरी मार्केट का, वही उस सामान को बना रहा है, वही उस सामान को बेच रहा है और अपने हिसाब से बेच रहा है, मतलब वो प्राइस को भी कम ज़्यादा कर रहा है। किसी एक बायर से वो 50 रुपये ले रहा है, सेम उसी चीज़ के वो दूसरे बायर से 65 रुपये 65 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। तो मतलब कि यहाँ पर वो प्राइस भी डिस्क्रिमिनेट करता है उस कमोडिटी को लेकर। तो इसका फर्स्ट फीचर था सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर, मतलब वो अकेला ही सेलर है एक, और उसको ख़रीदने वाले बहुत सारे हैं, उस कम्युनिटी को खरीदने वाले बहुत सारे हैं। सेकंड है नो सब्स्टिट्यूट, कोई उस कम्युनिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अगर उसका कोई विकल्प आ गया, अगर इसका कोई विकल्प आ गया, इसका कोई अल्टरनेटिव आ गया जो हम इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ पर मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। मोनोपोली का मतलब ही ये होता है जहाँ पर वो अकेला मालिक हो, कि कोई और ना आए बीच में। अगर कोई और भी उस का अब मतलब अल्टरनेटिव लेकर आ गया उसको कमोडिटी का, तो वहाँ पर उसकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। थर्ड है रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, मोनोपोली में नई फर्म की एंट्री पर रिस्ट्रिक्शन होता है, मतलब कि नई फर्म जल्दी से मोनोपोली मार्केट में एंटर नहीं कर पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का ही लो, कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट कंपनी चाहती है कि मैं एंटर करूं इस मार्केट के अंदर, तो वो अपना प्रपोजल लेके आएगी, तो वहाँ पर भी साइन चाहिएंगे गवर्नमेंट के, फिर गवर्नमेंट बहुत सारे बैरियर लगा देगी कि आपको यहाँ टैक्स इतना भरना पड़ेगा, आप यहाँ सेल कर सकते हो, यहाँ सेल नहीं कर सकते, मतलब कि बहुत सारे उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगी कि वो उस फर्म, उस मार्केट के अंदर एंटर ही नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या हो गया कि नई फर्म की एंट्री पर भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वो जल्दी से उस मार्केट के अंदर एंटर नहीं कर पाते उस मोनोपोली मार्केट के अंदर। फोर्थ है मोनोपोली फर्म इज़ आल्सो एन इंडस्ट्री, कि मोनोपोली फर्म ही इंडस्ट्री होती है, मतलब वो अपने आप में इंडस्ट्री होती है,
उसको किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने आप में एक इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिसिटी की, कि वो खुद बनाएगी, खुद बेचेगी, खुद प्राइस सेट करेगी, तो उसको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। फिफ्थ है प्राइस मेकर। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ते हैं हम कि इंडस्ट्री इज़ अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, कि अगर कोई इंडस्ट्री होगी तो वह खुद ही प्राइस बनाएगी और जितनी भी उसके नीचे फर्म्स होते हैं उन सबको वही सेम प्राइस लेना होता है जो इंडस्ट्री बना रही है। तो यहाँ पर जब मोनोपोली फर्म ही इंडस्ट्री है तो सीधी सी बात है कि वही प्राइस मेक करेगी, वही प्राइस बनाएगी इलेक्ट्रिसिटी का भी, कि इतना प्राइस सेट करना है। तो इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है और यहाँ पर मोनोपोली फर्म खुद एक इंडस्ट्री है तो वही प्राइस मेकर हो गई, इंडस्ट्री इज़ एन प्राइस मेकर। सिक्स्थ है इम्परफेक्ट नॉलेज, कि उस कमोडिटी को बनाने के लिए किसी के पास प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होती, कि अगर कोई उसका सब्स्टिट्यूट लाना चाहे मार्केट के अंदर तो उनके पास नॉलेज भी नहीं होती प्रॉपर। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज नहीं है किसी के पास कि उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी मतलब उसका चार्जेस पड़ेंगे, कितने की वो हमें पड़ेगी, कितने की हम आगे उसको सेल करेंगे, कैसे बनेगी वो, इतनी किसी को परफेक्ट नॉलेज नहीं है इस बारे में कि कोई जल्दी सी इस का सब्स्टिट्यूट ला सके। तो इन परफेक्ट नॉलेज के कारण भी इन चीज़ों की मोनोपोली रहती है। अगला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि सेम कमोडिटी का हम अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का है कि अगर हम उसको घर में यूज़ करेंगे तो उसका अलग चार्ज है, उसको हम कमर्शियल यूज़ करेंगे तो उसका अलग चार्ज है, इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे तो उसका अलग चार्ज है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी सेम है फिर भी हम उसके अलग अलग चार्जेस ले रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है कि हम प्राइस में भेदभाव कर रहे हैं, किसी एक से अलग प्राइस ले रहे हैं और सेम कमोडिटी का हम दूसरे व्यक्ति से अलग प्राइस ले रहे हैं, अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के केस में होता है कि हाउस, अगर कोई हाउस में यूज़ कर रहा है तो उसका अलग रेट लगेगा, अगर कोई कमर्शियल यूज़ कर रहा है तो उसके अलग चार्जेस लगेंगे। तो ये हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेम कमोडिटी है पर प्राइस अलग अलग चार्ज कर रहे हैं हम अलग अलग व्यक्ति से। अगला है फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई। यहाँ पर सप्लाई के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है मोनोपोलिस्ट का, कि वो सप्लाई को पूरा कंट्रोल करके रखता है, जैसा चाहे वो उसको वैसे यूज़ कर सकता है। जैसे कि अगर उसके पास किसी भी चीज़ के मान के चलो 100 यूनिट हैं तो उसका उसके ऊपर कंट्रोल है, वो ज़रूरी नहीं कि 100 की 100 यूनिट एक ही बार में बेच देगा, वो अपने हिसाब से उसको बेचेगा कि अगर जहाँ पर उसको प्राइस अच्छे मिलेंगे क्या पता वहाँ पर वो 60 सेल कर दे, और जहाँ पर उसको प्राइस कम मिल रहे हैं वहाँ पर वो कम सेल करे। यहाँ पर कोई ज़रूरी तो है नहीं कि उसको सप्लाई अपने मतलब किसी के हिसाब से चलानी है, वो अपने हिसाब से ही सप्लाई चलाएगा, जहाँ पर उसको अच्छे प्राइस मिलेंगे या फिर जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पर ज़्यादा सप्लाई कर देगा वो, या फिर एक बार वो सप्लाई रोक भी सकता है ताकि उसके प्राइस बढ़ाकर उसको बाद में सेल कर सके। तो यहाँ पर मोनोपोलिस्ट का, मोनोपोलिस्ट मीन्स जो उस मार्केट का ओनर हो गया, जो उसका सेलर है मान के चलो, तो जो यहाँ वो उसका सप्लाई के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, वो अपने हिसाब से सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, जहाँ चाहे वो सप्लाई बढ़ा सकता है और जहाँ चाहे वो सप्लाई को कम कर सकता है। नेक्स्ट होता है इन इलास्टिक डिमांड, कि मोनोपोली के अंदर जो है डिमांड है वो इन इलास्टिक होती है। हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इन इलास्टिक डिमांड पढ़ा था। इन इलास्टिक डिमांड मीन्स कि प्राइस कितना भी बढ़ता रहे पर डिमांड हमारी कॉन्स्टेंट रहती है वहाँ। जैसे ये क्वांटिटी हो गई और यहाँ प्राइस, प्राइस पी से P1 हो गया, P2 हो गया, या फिर नीचे कम होकर P3 आ जाए, पर डिमांड वही सेम रहती है। तो मोनोपोली के अंदर जिसके पास मोनोपोली मार्केट है, अगर वो प्राइस को 10 रखेगा तब भी उतनी डिमांड है, अगर वो प्राइस को बढ़ाकर 30 रुपये कर देगा तब भी उसकी डिमांड कम नहीं होगी। तो मोनोपोली मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होती है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस, अगर वो मोनोपोलिस्ट कम करेगा तब भी नहीं कम फ़र्क पड़ेगा डिमांड पर, अगर वो मोनोपोलिस्ट उसका प्राइस बढ़ा देता है तब भी डिमांड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमने किया
मोनोपोली मार्केट जहाँ पर एक ही सेलर होता है और उसको ख़रीदने वाले बहुत सारे होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ गवर्नमेंट के पास मोनोपोली है, इसकी गवर्नमेंट ही इसको बेचती है और वही उसको बनाती है और ख़रीदते हम बहुत सारे हैं।